फर्स्ट क्लास का आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर है, तो इसमें देखिए आप चैप्टर सेकंड आपका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। इंट्रोडक्शन में क्या था भाई, इनवर्स फंक्शन क्या होता है आपका, यहाँ यही चीज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन ए रेडियन। रेडियन के अंदर आपने इनवर्स फंक्शन लेके आया, देखिए अब ये दे रखा है आपका वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन को इसमें ले आएंगे, साइन को इसमें लेके आएंगे साइन वाई इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 जो वैल्यू है साइन के ऊपर किसके ऊपर है, ये बात मैंने बताई थी कि वो उसके बीच में लाई करना चाहिए, यानी साइन की जो क्रम है -π/2 से और π/2 के बीच में क्या करती है आपकी लाई रखती है, तो इसके अनुसार फिर हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए 1/2 जो है साइन वाई इज इक्वल टू साइन π/6, 1/2 की जो वैल्यू है यानी साइन π/6, साइन π/6 जो सिक्स है -π/2 से और किसके बीच में लाई कर रही है आपकी π/2 के बीच में क्या कर रही है आपकी लाई कर रही है बिलोंगिंग टू थीटा, किसके बीच में, किसके बीच में क्या कर रही है आपकी लाई करने लग रही है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/6, यानी थीटा अगर आप मानते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6। इसी के हिसाब से आपका सेकेंड पार्ट है यानी cos इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल ले लिया मैंने y के इक्वल ले लिया। अब cos इनवर्स को इसे ले आए तो cos y इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 है रेडियन के ऊपर किसके ऊपर आता आपका, ये वैल्यू आप देखनी है, आपके पास वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की उसके अंदर हम देख सकते हैं, तो ये वैल्यू मिलेगी आपकी π/4 के ऊपर। तो ये वैल्यू आपका cos y इज इक्वल टू cos π/4। अब cos से cos क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि π/4 है 0 से पाई के बीच में क्या करता है आपका लाई करता है, क्योंकि cos की जो प्रिंसिपल जो वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, तो y की जो वैल्यू है यानी थीटा की जो वैल्यू क्या आ गई आपकी π/4 सेकंड पार्ट हो गया। अब इसी के हिसाब से आ गया जी आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया जी, अब यहां पर करें अभी आपका थर्ड, थर्ड पार्ट के अंदर है टेंजेंट इनवर्स 1/√3 y के इक्वल ले लें, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3, टेंजेंट को इस साइड ले आएंगे टेंजेंट y क्योंकि इस साइड आ गई टेंजेंट कहलाएगा y इसके एंगल में आ जाएगा 1/√3। अब 1/√3 टेंजेंट के ऊपर यानी टेंजेंट के अंदर 1/√3 देखना आपने कहां पर लाई करा है, तो टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट π/6 के ऊपर आपका लाई करेगा। तो अब ये जो वैल्यू है तो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आपकी लाई कर रही थी, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में क्या कर रही है आपकी लाई कर रही है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में अगर लाई कर रही है तो हम इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/6। उसके बाद है आपका फोर्थ, फोर्थ जो पार्ट है ये था जी आपका secant इनवर्स 2/√3। अब वही चीज है y इज इक्वल टू secant इनवर्स 2/√3, secant इनवर्स को इसे ले लेंगे secant y इज इक्वल टू 2/√3। अब secant की जो वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी कहां से कहां तक लाई करती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, जब अगर वो वैल्यू उसके बीच में अगर लाई करती है तो हम काट सकते हैं वरना काट नहीं सकते, ये जो वैल्यू 2/√3 है वो आपकी π/6 के ऊपर लाई कर रही है, तो secant y इज इक्वल टू secant π/6, secant से secant क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास π/6, क्योंकि ये वैल्यू जो प्रिंसिपल जो आपकी वैल्यू उसके अंदर लाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ, यह आ गया थी y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3, cot को इस साइड ले जाएंगे cot y इज इक्वल टू √3, √3 जो वैल्यू है वो कहां पे आपकी लाई कर रही है ये बात आपको ध्यान देनी है, कि आ गया cot y इज इक्वल टू रेडियन के अंदर cot π/6,
4 पाई बाय 6 इसके अंदर लाई करता है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 6। और लास्ट जो पार्ट है इसका, छठा जो पार्ट है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट इनवर्स 2 इसे में जाएंगे तो कोसिकेंट इनवर्स का आपका इनवर्स हट जाएगा, कोसिकेंट y हो जाएगा, कोसिकेंट y इज इक्वल टू 2। 2 जो आपने देखना है कहां पर लाई कर रहे हैं, तो कोसिकेंट y इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 6। अब ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करके तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पास पाई बाय 6। सभी में आपने सारी जो वैल्यू किस चीज के अंदर लेके आई है, आपने रेडियन के अंदर लेके आई है, क्या मतलब ये थीटा के अंदर नहीं लेके आई, आपने किस चीज के अंदर लेके आई है, रेडियन। रेडियन क्या होता है, आपने प्रश्न में सीखा था थीटा और रेडियन के अंदर अंतर होता है, थीटा यानी रेडियन, रेडियन एक सर्कुलर दो सिस्टम के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या आपके 2.1 आपका कंप्लीट हो गया, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप दे सकते हैं।